हेलो बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 3, श्यामाचरण दुबे व भोक्तावाद की संस्कृति। सबसे पहले हम लोग श्यामाचरण दुबे के बारे में जानते हैं। श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1912 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाजीय वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास, बोध संस्कृत तथा शिक्षा समाज के भविष्य, भारतीय ग्राम संक्रमण की पीढ़ा, विकास का समाज शास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफ दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा उनके अनेक संस्थान में प्रमुख पद भी रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलित विषय पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएँ उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजाति और ग्रामीण समुदाय पर केंद्रित उनके लेख ने बहुत समुदाय का अध्ययन आकर्षित किया है। वे जटिल विचारन के तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति है, इसमें कहा क्या गया है, इसमें बताया क्या गया है, हम लोग पहले ये जानते हैं। निम्नतम बाजार की गिरफ्त में है। समाज की वास्तविक को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञान की चमक दमक के कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाहें गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिवाजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन ने भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास का चिंताजनक बातें हैं, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, समाज अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। यहाँ पे उपभोक्तावादी संस्कृति में हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ज़्यादा TV पे एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, हम जिस चीज़ का ज़्यादा प्रचार होता है उसी वस्तु को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा हमें महसूस होता है कि हाँ, जिस चीज़ का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रहा है वो चीज़ खरीदना हमारे सेहत के लिए और हमारे चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ पे लेखक हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है, हमारी सीमित संसाधनों का गुहार व्याप्त हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्जा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है, यह सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रितता बढ़ रही है और स्वार्थ परामर्थम पर हावी हो रही है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्श पर टिके रहते हुए स्वास्थ्य बदलाव में अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। जी हाँ, उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। यहाँ लेखक बताता है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ ही एक नई जीवन दर्शन उपभोक्ता का दर्शन करवा रही है। उत्पादन बढ़ने पर जोर चारों तरफ हो रहा है। आपके सुख के लिए, दुख के लिए जो व्याख्या हो रही है वो एक सूक्ष्म बदलाव आ रही है। स्थिति में उत्पादन तो आपके लिए है, पर यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने में आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पादन समर्पित होते जा रही हैं, यानी जिस चीज़ का ज़्यादा शोर हो रहा है, जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर हो रहा है, जिस चीज़ का ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है, हम उसी चीज़ को खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर इसका एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वो वस्तु हमारे लिए बहुत सेहतमंद होगी। बहुत छोटी पंक्ति लिखी गई है, लेकिन उसको समझने का पूर्ण प्रयास करते रहिएगा और करिएगा। वस्तु और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीका खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नई डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। जी हाँ, अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियाँ अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती है। संगीत आए या ना आए, पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए। भले ही बजाने ना आए, कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारों होटल में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारों हॉस्पिटलों में जाया जाता है।
शिक्षक लिए 5 सितारों स्कूल में मौजूद कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में बनने से पहले ही अंतिम संस्कार के लिए बाद में विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता पर भविष्य में होने लग जाएगा। सही कहा है कि जो चीज़ पहले हम लोग समय देखने के लिए उपयोग करते थे, यानी अगर एक घड़ी की बात की जाए तो एक घड़ी 50 रुपये में भी आती है, लेकिन दिखावे के लिए हम उस घड़ी को 50 करोड़ में भी खरीद सकते हैं। हम यह भी देखते हैं कि हमें म्यूज़िक आता हो चाहे ना आता हो, हमारा म्यूज़िक सिस्टम बड़ा होना चाहिए। ये सच है कि आप किसी भी बड़े बड़े घर में चले जाओ, वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटे मोटे म्यूज़िक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कम से कम 50,000 60,000 का उनका म्यूज़िक सिस्टम ही होता है। शादी विवाह के लिए लोग बड़े बड़े होटलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी प्रतिष्ठा बने रहे और लोग उन्हें बड़े तौर से जानें। यह सब चीज़ें हमारे आज सामाजिक स्थितियों में हो रही हैं, मतलब कि लोग दिखावे पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तब हमारे लिए हानिकारक है। आदमी पैदा होता है तो उसके दिखावे से लेके जब वो मरता है तो उसके दिखावे तक ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का भी इंतजाम किया जाता है। इससे लोगों की प्रतिष्ठा और इससे रहन सहन भी पता चलता है कि वह कितने बड़े खानदान का आदमी मरा है और आदि चीज़ें देखी जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं। जी हाँ, एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं। 10 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का टूथपेस्ट हम देख सकते हैं। कोई दांत में मोतिया जैसे बनाने वाला, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। इन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाज़ार में मौजूद हैं। जी हाँ, हल्का लोगे तो 10 रुपये का, भारी लोगे तो और सस्ता, यानी कि क्वालिटी जो होती है दिखावे में ही पूरा पैसा लिया जाता है। आप जितना अच्छा ब्रश लोगे कीमत उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। काम सबका एक है, ब्रश का काम ही है केवल दांत साफ करना, लेकिन लोग दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जब आप दुकान जाओगे और 4 लोग वहाँ पे खड़े भी रहेंगे तो कहोगे भैया ब्रश दे दो, ब्रश दोगे तो कितने वाला लोगे, पूछेगा 10 रुपये वाला नहीं, नहीं 10 रुपये वाला नहीं, 50 रुपये वाला हो तो दो। ऐसा ही कहकर वो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाते हैं कि हम कितने बड़े इंसान हैं, हम 10 रुपये वाला नहीं बल्कि 50 रुपये वाला मंजन करते हैं, ब्रश करते हैं। दिखावे की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। पल भर में मुंह का दुर्गंध दूर करने वाला माउथ वॉश भी उपस्थित है। जी हाँ, माउथ वॉश भी उपस्थित है। सौंदर्य से प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पादन जुड़ जाते हैं, मगर एक साबुन को ही देख तो ऐसा साबुन उपलब्ध है जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित और कोई तो सीने स्टार्स की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के आराम से मिल जाते हैं। ये सब दिखावे की दुनिया आज हमारे जीवन शैली को एकदम से बदल कर रख दी है। जो लोग पहले अपने कुछ काम थोड़े पैसे में कर लेते थे, आज दिखावे की शैली में लोग ज़्यादा पैसा खर्च करके अपने प्रतिष्ठा को और अपनी रहन सहन की दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, हमारे पास कितना पैसा है। ये दिखावे की दुनिया उपभोक्तावाद की दुनिया को एकदम से बदल कर रख दी है। ऐसा होता रहेगा तो आज समाज जो 4 पैसों पे अपना जीवन यापन कर लेता है, कल वो दिखावे के चक्कर में बहुत घबराए रहेगा, बहुत टेंशन रहेगा, उसके मन में हमेशा तनाव रहेगा कि उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी किसी के पास भी हो, संसाधन किसी के पास भी हो, गाड़ी गाड़ी होती है, चाहे वो 10,000 की हो चाहे वो 10 लाख की हो, काम वही करना है। बस वही दिखावे पे होता है कि किसी के पास 10 लाख की गाड़ी है तो किसी के पास 10,000 की, यानी दिखावे की ज़िंदगी आज हम लोग जी रहे हैं। और ऐसे ही अगर होता रहा तो हमारी दुनिया जो है एकदम से बदल कर दूसरी हो जाएगी। लेखक अपने इस चैप्टर यानी उपभोक्तावाद संस्कृति में हमें यही बताना चाहता है कि आप दिखावे की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं।
पाठ के सारस में जानते हैं कि लेखक कहना क्या चाहता है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्ता के बारे में बताया है कि उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है, यानी सब कुछ का मतलब है सब कुछ बदल रहा है, पढ़ने से लेके लिखने तक, लिखने के लेके से मंजन ब्रश खाना आदि चीज़, हर चीज़ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली आम व्यक्ति के जीवन में हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग की सुख बन गया है, यानी उपभोग भोग का ही सुख बन गया है। बाजार विलासित सामग्रियों से भरा पड़ा है, यानी कि चमचमाहट की दुनिया से एकदम से भरा पड़ा हुआ है। चीज़ें को लीजिए और उपयोग करिए और अपने प्रतिष्ठा को दिखाने का काम करिए।